नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीओटी पाठशाला। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग लगातार सीओटी पीजी के कट ऑफ वीडियोज ले आ रहे हैं, ठीक है। ये अनऑफिशियल है, लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज कितनी है। यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने सबसे पहले बीएचयू चूज किया है, इसके बाद डीयू, जेएनयू, बाकी यूनिवर्सिटीज को भी हम लोग कवर करेंगे। फिलोसफी का बना चुका हूँ, एलएलबी का बना चुका हूँ, और एक जनरलाइज पूरे पेपर का भी बना चुका हूँ। इन तीनों वीडियोस का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो लगभग चार सब्जेक्ट्स का चूज करूंगा मैं। पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं किसका, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी किसी सब्जेक्ट्स का आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको 24 आवर्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो कट ऑफ एनालिसिस है, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की रेफरेंस बनाया गया है ऑफिशियल कट ऑफ से, इसीलिए आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप को श्योर कर सकते हो कि हाँ इतने मार्क्स लाए अगर आ जाता है तो हमारी एडमिशन पॉसिबिलिटीज बन जाती है। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप अपनी पॉसिबिलिटीज एक्चुअली यूनिवर्सिटी वाइज पता कर सको कि हाँ मेरा पोजिशन इस यूनिवर्सिटी में बन रहा है, ठीक है। एक बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट ईयर जो पेपर था वो 400 मार्क्स का था, ठीक है, बट इस बार कितने का है, 300 मार्क्स का है। तो इस बार हम लोग ये जो मार्क्स है इधर वाला, ये 400 पे काउंट है, ये वाला 300 पे काउंट है। बेसिकली इस साइड जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये ऑफिशियल लास्ट ईयर का कट ऑफ है, और इस बार हम लोगों ने इसी बेसिस पे परसेंटेज निकाल के और बच्चों के रिव्यूज बेसिस पे अप डाउन किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल का। यहाँ पे जो जनरल के कट ऑफ लास्ट ईयर के हैं वो 249 यानी लगभग 250 है। इस बार लगभग आप 180 ले आते हो, 180 पे आपको मेन कैंपस मिल जाएगा। ध्यान देना कि इसके बाद भी लगभग 20 नंबर घटा के एफिलेटेड तक लड़कियां जा सकती हैं, यानी लड़कियों के चांसेस ज्यादा है, ओके। उसके बाद 170 ओबीसी, 170 अगर कोई लड़का ले आता है तो एफएमसी मिलने के चांसेस है, ओबीसी कैटेगरी का है। बाकी इससे 10-5 नंबर कम करके एफिलेटेड में आप जा सकते हो। ध्यान देना ये हम लोग डीएमसी का भी बस देख रहे हैं, ठीक है, ये डीएमसी का है यानी डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस का है। 175 अगर आप ले आते हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज बनती है। एससी कैटेगरी 160 अगर आप ले आते हो तो आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज बनती है। एसटी कैटेगरी के बच्चे अगर 140 प्लस में है तो आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज बनती है। ध्यान देना इसमें बहुत सारे अभी भी रिजर्वेशन कैटेगरी फॉलो होते हैं, जैसे कि इसमें एक सब कैटेगरी आती है जहां पे मैं लगा दूंगा यहाँ पे पेड, यानी हर के पीछे में लगा दूंगा पेड, ठीक है। जैसे मैं पेड़ लगा देता हूं इसका मतलब आपका जो रेगुलर फी पेमेंट होता है उससे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लिया जाएगा, और ये जो मार्क्स है ये घट के लगभग हर में 10 नंबर माइनस कर दो, ठीक है, ठीक है, यानी हर में आप 10 नंबर माइनस करके काउंट कर सकते हो, तो पेड़ के भी कट ऑफ कैटेगरी वाइज इतना डाउन हो जाता है। तो फाइनली इस वीडियो के बाद हम लोग अब बाकी कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये चैनल आपके पूरे काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है। यहाँ पे आपको पूरे यूनिवर्सिटी के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा, साथ ही साथ हम लोग पूरा एक काउंसलिंग प्रोसेस का पोर्टल ही अपने आप बना देते हैं जहां पे बच्चों की पूरी हेल्प के साथ है। सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट करिएगा, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, हर हर महादेव।